हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सुबह के अभी 4:30 हो रहे हैं और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। जैसा कि ये सब साड़ी वगैरह है, ये सब मुझे फोल्ड करके अलमारी में लगाना है। और रात को हम कितना भी घर मतलब व्यवस्थित करके रख के सोते हैं कि सुबह उठें तो सब मतलब व्यवस्थित दिखे, पर ऐसा होता नहीं है। कुछ ना कुछ अव्यवस्थित ज़रूर हो जाता है। मतलब जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, उनका घर तो पक्का मतलब व्यवस्थित नहीं रह पाता होगा। मैं भी रात को सब कुछ सही जगह पर रख देती हूँ, पर सुबह उठती हूँ तो कुछ इधर उधर हो जाता है। फिर मैं सारी चीज़ों को उनके जगह पर रख देती हूँ। और अभी आपको चिड़िया की आवाज़ आ रही है तो शाम हो गया है। मैं शाम को छत पर बैठ के वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसकी वजह से ना चिड़िया जो है वो चहचहा रही हैं, वही आवाज़ आ रहा है। तो अभी मैंने रूम में झाड़ू लगा लिया है, मैं किचन में लगा लूँगी और फिर पूरे घर में लगा लूँगी। तो सुबह मैं उठती हूँ तो पहला काम मेरा घर क्लीन करना होता है, यानी कि झाड़ू लगाना होता है। मैं पहले झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही कोई काम शुरू करती हूँ। और अभी देखिए हस्बैंड भी सोए हुए हैं, सब कोई सोया था, रुपेश छवि सब कोई सोया था। मुझे जहाँ तक लगता है कि जितनी भी हम हाउस वाइफ होते हैं, हम सब सबसे सबके उठने से पहले हम सभी उठते हैं और अपने घर के काम जो है वो निपटाते हैं जल्दी जल्दी। और सुबह मैं जब भी उठती हूँ ना तो मुझे अकेला ना महसूस हो, इसकी वजह से मैं भजन लगा देती हूँ तो भजन बजता रहता है और मुझे डर भी नहीं लगता है। और मैं सारे घर के काम जो है वो करती रहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा डरती भी हूँ अंधेरे से, तो इसलिए मैं भजन लगा लेती हूँ। अभी आप बाहर देख सकते होगे कि कितना मतलब अभी अंधेरा है और इतना सारा डस्ट, जब से ये हमारी सड़क जो है बराबर हुई है ना, इतना डस्ट मतलब घर में आ जाता है। वही देखिए कितना धूल जो है कैमरे में दिख रहा है, ऐसे तो मुझे नहीं दिख रहा था पर अभी देख रही हूँ कि कैमरे में कितना सारा धूल जो है वो कैद हो गया है। तो आपने देखा ही है कि बाहर कितना अभी अंधेरा है। तो मैंने सारे घर को क्लीन करके सारे लाइट्स को ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि लाइट जलाने कोई मतलब नहीं है। फिर आ जाती हूँ मैं किचन में, किचन क्लीन करने के लिए। वैसे रात को मैं सब कुछ क्लीन करके सोती हूँ जैसा मैंने बताया आपको, पर सुबह वही गंदा हो जाता है क्योंकि रात को जब हस्बैंड आते हैं 11:30-12 भी बज जाता है उनको, कभी कभी 1 बज जाता है, तो उनके लिए फिर से मुझे रोटी बनानी पड़ती है और जो सब्ज़ी रहती है वो मुझे गर्म करना पड़ता है, तो इसी वजह से गैस गंदा हो जाता है। और चाय भी मैंने बना लिया था, अब झाड़ू लगा लिया है, इसके बाद चाय भी बना के रख ली हूँ। अब प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ क्लीन करने के बाद मैं जाऊँगी अपनी थायराइड की गोली मतलब गोली लूँगी, उसके बाद फिर चाय पीऊँगी। तो ये सारे काम मेरे मतलब चाय पीने तक मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। तो अभी कर देती हूँ अपने लिए पानी गर्म। और ये इलेक्ट्रिकल केतली लेने से ना मुझे काफ़ी हेल्प हो गया है कि पानी बहुत जल्दी मतलब जो है गर्म हो जाता है। अभी मैंने दिखाया कि रुपेश सोया है और लड्डू गोपाल, सारे लड्डू गोपाल भी सोए हुए हैं, तो अभी मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और अब हो गया है सुबह के, हो गए हैं 6 और बाहर अभी भी अंधेरा है। तो मैं घड़ी आपको दिखा देती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। और देखिए अभी बच्चे सोए हुए हैं, रुपेश भी सोया है और ये छवि को मतलब छवि ऐसे ही सोती है। और फिर मैं आ जाती हूँ दिखाने के लिए कि हस्बैंड भी सोए हुए हैं, वो भी अभी नहीं उठेंगे, वो तो 10 या 11 बजे तक मतलब सोते हैं क्योंकि रात में आते हैं, तो इसकी वजह से वो उनको लेट होना ही होना है। और चलिए दिखाती हूँ बाहर अभी भी कितना अंधेरा है। मैंने लाइट्स ऑफ कर दिया इसलिए और अंधेरा दिख रहा है। और यहाँ देखिए मेरी पानी जो है वो गर्म हो गई है, तो मैं इस पानी को भी ले लूँगी। सुबह में मैं एक गिलास गर्म पानी, पहला जो मैं निवाला लेती हूँ वो एक गिलास गर्म पानी होता है, और ये जो गिलास है वो 1/2 लीटर का है, तो ये एक पाव से ज़्यादा पानी तो मैं पी ही लेती हूँ। उसके बाद मैं एक बार रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ, 2 टाइम पीती हूँ, बाकी दिन में पीऊँ या ना पीऊँ। तो अभी मैंने अपनी मेडिसिन जो है वो थायराइड की ले ली है, उसके बाद फिर मैं चाय पी लूँगी और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद बाकी सारे काम जैसा कि मैं नहाने जाऊँगी। और तब तक रुपेश भी उठ गया था, जब तक मैं मतलब बाहर का दिखा रही थी शोर से वो उठ गया था। फिर मैं पानी अपने लिए लगा देती हूँ कि गर्म हो जाए, फिर मैं नहा लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज गए हैं सुबह के 6:05, मैंने पानी लगा दिया है गर्म होने के लिए और सारे घर का काम मैंने कर लिया है, झाड़ू वगैरह किचन क्लीन कर दिया है, बस मुझे नहाने जाना है, नहा के आती हूँ फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो अभी बज गए हैं सुबह के 7 और इतना खूबसूरत ये व्यू लग रहा था ना, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। आप पेड़ के पीछे सूर्य देवता को देख सकते हैं कि वो उग रहे हैं और काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे इधर का व्यू, तो मैंने आप लोग के लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया कि आप लोग भी सुबह सुबह मॉर्निंग का जो व्यू है हमारे यहाँ कैसा लगता है देख सकते हो। तो नहा के मैं आ गई हूँ और फिर मैंने लड्डू को मतलब मंदिर का अपने मंदिर का पूजा करने के बाद फिर लड्डू गोपाल को मैं नहला देती हूँ। और जो नन्हे से लड्डू गोपाल हैं उन्हें मैं आज नहीं नहलाऊँगी, ठंड बहुत ज़्यादा है।
मॉर्निंग में कभी कभी मतलब मौसम का समझ में नहीं आ रहा है, कभी कभी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, कभी बिल्कुल नहीं लग रही है। तो आज मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज बिल्कुल ठंड नहीं है, मैं छत पे बैठी हूँ फिर भी मतलब ठंड नहीं लग रही है। और शाम के बज रहे हैं 6, और जिस दिन का ये वीडियो यानी संडे का, उस दिन बहुत ठंडी लग रही थी, सुबह भी शाम में भी, दोपहर में तो थोड़ा ठीक था पर सुबह शाम में ठंडी अभी भी है हमारे यहाँ पड़ रही है। तो अभी देखिए मैंने सारे लड्डू गोपाल को नहला दिया है और इन्हें मैं कपड़ा पहना दूँगी, उसके बाद इनका श्रृंगार करके इन्हें मैं बैठा दूँगी अलमारी में, मतलब इनकी जगह पे बैठा दूंगी। और कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल मुझे बताइएगा, आपकी श्रृंगार होने के बाद ये कैसे दिख रहे हैं? मुझे तो बहुत क्यूट लग रहे थे, मैंने इनकी बलैया भी ले ली कि इन्हें नज़र ना लगे। और ये देखिए सभी लड्डू गोपाल सज धज के बैठे हैं और मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। और मैंने मॉर्निंग के सभी काम कर लिए हैं जैसा कि आपने वीडियो में आगे देखा ही है, और पूजा भी मेरी हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए मैंने चढ़ा दिया है दाल, और इसमें मैं जा रही हूँ आलू का भुजिया, उसका तड़का लगाने जा रही हूँ। मैंने आलू को देखिए कट कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और सिर्फ मिर्चे से तड़का लगाऊंगी। और काफी सारा मिर्चा है, मुझे तीखा बहुत पसंद है, मतलब मेरे परिवार में सभी तीखा खाते हैं। तो अभी हस्बैंड को भी जगाना है, उन्हें संडे है आज तो उन्हें जल्दी जाना है, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर रही हूँ। और टाइम कुछ भी नहीं हुआ, आप देख सकते हो कि अभी घड़ी में 8 बजने में भी 5 मिनट कम है, पर इन्हें 9:30 तक निकल जाना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पहले बना लेती हूँ फिर बातें करती हूँ। तो आज हस्बैंड जल्दी जाएंगे, उन्हें मॉर्निंग में ही बुलाया गया है तो उन्हें जल्दी जाना है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी। हाथ में मतलब जैसे वो लग रहा था ना कि पूरा जादू मतलब है, मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी। रुपेश बोल रहा था कि मम्मी आप बहुत फास्ट आज काम कर रहे हो। तो अभी देखिए मैं आलू की भुजिया के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है, जीरे से तड़का लगा लिया है, फिर मैंने इसमें हरी मिर्च लहसुन वगैरह प्याज वगैरह कुछ भी मैंने नहीं डाला है, बस ये हल्के से भून जाएंगे। तो मैंने सादा आलू ही इसमें डाल दिया है और इसे तब तक भूनना है, मतलब रूटीन के मसाले डाल देना है, जैसा कि हल्दी और नमक सिर्फ डालूंगी और कुछ भी नहीं, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने नहीं ऐड किया है। और इसे तब तक मतलब धीमी आँच पर रखना है जब तक आलू सॉफ्ट ना हो जाए, उसके बाद इसे मतलब कुरकुरा होने तक भून लेना है। ये बिस्तर और जहाँ पे हस्बैंड सोए हुए हैं यानी कि वो बिस्तर मुझे क्लीन करनी है, तो अभी पहले किचन से निपट लूँगी फिर मैं बिस्तर वगैरह क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अगर बिस्तर क्लीन करने में लगूँगी ना तो लेट हो जाएगा मेरे मतलब बनाने में। लंच कहिए या नाश्ता कहिए, बच्चों को रोटी और भुजिया दे दूँगी, यही लंच उन लोग का नाश्ता हो जाएगा, और बाद में चार सौ दे दूँगी, यही लोग का लंच हो जाएगा। वो लगा लेती हूँ आटा और रोटी बना लेती हूँ। और दाल के लिए तड़के की तैयारी हो गई है, दाल मैंने बना लिया है, दाल में मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च ये सब काट करके पहले ही डाल दिया था, और तड़का लग गया है। दाल देखिए सिंपल दाल है पर बहुत टेस्टी लगता है, और आलू भी सॉफ्ट हो गया है, बस इसे कुरकुरा करना है, तो मैं हाई फ्लेम पे इसे कुरकुरा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बना लिया है रोटी सब्जी चावल, मैंने चढ़ा दिया है यहाँ पर, और दाल भी बन गई है, और ये देखिए भुजिया भी बन गया है, और बहुत क्रिस्पी भुजिया है आप देख सकते हो, इसमें कलर उतना नहीं आ रहा है बट बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी था। बच्चे खा चुके हैं, बच्चों को नाश्ता मैंने करा दिया है, और ये थोड़ी सी सब्जी रात की बची हुई को मैंने जो बनाया था, और यहाँ पे कर रही हूँ मैं चाय गरम, क्योंकि सुबह के मैं 2 बजे से उठी हूँ और वीडियो एडिट करके अपलोड किया, उसके बाद से फिर क्लीनिंग घर में मतलब क्लीनिंग के लिए लग गई सुबह से ही, 2 बजे से उठी हूँ, तो मतलब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, अभी चाय पी लूँगी, उसके बाद से पूरा सिंक देखिए फुल हो गया है, ये देखिए पूरा सिंक फुल है, इसे क्लीन करूँगी। तो पहले अभी पीती हूँ चाय, अभी कोई काम नहीं करूँगी, पहले पी लूँगी चाय उसके बाद भी कोई काम करूँगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। मुझे लगता है इस साल जो ठंड पड़ी है बहुत साल बाद ऐसी ठंड पड़ी है कि लास्ट फरवरी मतलब फरवरी का जो है वो 12-13 दिन चला गया, आज 13 तारीख है तो 12-13 दिन चला गया है, फिर भी ठंड जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मेरे हाथ ना बहुत ज़्यादा ठंडा मतलब मेरे हाथ जो है बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, तो अभी मैं चाय मतलब मैंने चाय तो बना ही ली थी पर रोटी बनाने के चक्कर में मैं चाय नहीं पीती हूँ कि रोटी बन जाएगा उसके बाद मैं चाय पीऊँगी, तो चाय गर्म हो जाए पी लेती हूँ, फिर उसके बाद से किचन क्लीन करके आप लोग से मिलूँगी। और अभी मैंने सारा लंच तैयार कर दिया है और हस्बैंड भी चले गए हैं नहाने, तब तक मैं सोच रही थी कि चलो किचन ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी खाना बनाती हूँ तो गैस के ऊपर छींटे जो हैं तेल उल के वो सब पड़ जाते हैं, दाग धब्बे लग जाते हैं, तो आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो मैंने सोचा चलो इसे थोड़ा सा मैं साबुन लगा के क्लीन कर लेती हूँ। फिर सूती कपड़े से मैंने रगड़ रगड़ के बिल्कुल साफ़ कर दिया और शीशा एकदम जो है वो क्लीन हो गया और गैस बहुत अच्छा लग रहा था आप देख सकते हो। इसके बाद मैंने जो सेल्फ़ है उस सेल्फ को क्लीन किया सारा, मतलब सब कुछ हटा के ही मैं डेली क्लीन
करती हूँ, दिन में तो 3-4 बार हो ही जाता है क्लीनिंग किचन का, तो इसी वजह से मेरा मतलब किचन जो है ना वो मैसी नहीं दिखता है, क्योंकि मैं दिन में जब भी चाय भी अगर मैं बनाती हूँ ना तो मैं किचन को चारों तरफ से मतलब जो कपड़ा है वो फेर लेती हूँ। पर बर्तन जो है आज भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि मैं बर्तन पे आज ध्यान नहीं दे रही थी, मुझे खाना जल्दी बनाना था क्योंकि इन्हें खा के जाना था, तो आज मैंने बर्तन पर फोकस नहीं किया। और आप यकीन नहीं मानोगे, आधे घंटे के अंदर मैंने दाल चावल भुजिया रोटी सब कुछ तैयार कर दिया था आज। तो हस्बैंड भी बोल रहे थे बहुत जल्दी तुमने आधे घंटे में ही आज मतलब खाना तैयार कर दिया है, तो क्योंकि मैंने बर्तन के ऊपर फोकस ही नहीं किया। लेकिन सिंक जो है आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब फुल हो गया है, तो अभी मैं बर्तन जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल केतली है उसे भी मैं हर 2 दिन में साफ़ करती हूँ, अगर साफ़ नहीं करूँगी तो अंदर पानी का जो दाग धब्बा रह जाता है ना वो कभी फिर जाता नहीं है। अगर आप मतलब इसे 2-2 दिन पर क्लीन नहीं करेंगे ना तो अंदर ये पानी का परत जो लग जाएगा तो कभी भी मतलब ये कितना भी आप रगड़ लो वो साफ़ नहीं होगा। तो मैं 2-2 दिन पे इसे क्लीन करके फिर इसे छत पे रख देती हूँ। केतली के नीचे साइड में वायर है, बस उस वायर को पानी से बचाना है, मैं वही बचाती हूँ, बाकी ऊपर का मैं सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी रुपेश लेके चला गया है, छत पे रख देता है, फिर मैं सारे मतलब सिंक का एरिया जो है वाइप कर लेती हूँ और किचन भी मेरा क्लीन हो गया। और अब रूम की बारी है, तो चलते हैं पहले आगे का रूम क्लीन करते हैं। पूरा आप देख सकते हो सारा बिस्तर ऐसे फैला हुआ है, तो सभी कुछ मैं हटा के पहले कंबल फोल्ड करके इसे अंदर रख दूंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं डेली इसे अंदर ही रखती हूँ, हर 2 दिन पे इसे मैं छत पे धूप भी दिखाती रहती हूँ, अगर धूप निकला है तो धूप, नहीं निकला है तो ऐसे ही पड़ा रहता है। और आज नहीं रखूंगी, 2-3 दिन के बाद फिर मैं इसे धूप में रख दूंगी ताकि जो इस पे मतलब मॉइस्चराइज बना हो वो मतलब सूख जाए, अच्छी तरीके से हो जाए, इसमें से स्मेल ना आए। और अभी मैं बेडशीट जो है वो सही कर लूंगी, घर जो है क्लीन दिखेगा। अगर हमारा बेड क्लीन नहीं है ना तो पूरा घर गंदा दिखता है, तो मैं बेड के ऊपर पूरा ध्यान देती हूँ कि बेड जो है वो क्लीन ज़्यादा दिखे, बेड को हमेशा क्लीन रखूँ और जो सिलवटे हैं चद्दर पे सिलवटे ना पड़े। तो मैं हमेशा जब भी मेरा नज़र जाता है, वैसे तो ये मतलब मुड़ता नहीं है, सिलवटे नहीं पड़ता है, पर मैं फिर भी ध्यान देती हूँ कि सिलवटे ना पड़े। बेड सही है तो पूरा रूम क्लीन है, किचन का मतलब सिंक सही है तो किचन क्लीन दिखता है। और देखिए अभी हस्बैंड नहा के आ गए, बोल रहे हैं मुझे खाना दे दो, तो वही मैं बोल रही हूँ बस 2 मिनट और रुक जाइए, मैं जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ, फिर चलिए आपको खाना दे दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरे अंदर के रूम का जो है बेड क्लीन हो गया, पूरा रूम ही क्लीन हो गया है, तो अभी जाती हूँ हस्बैंड को मैं दे देती हूँ खाना। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने सारा काम जो है कर लिया है, रूम मेरे दोनों साफ हो चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, और बेड भी मैंने क्लीन कर लिया, आगे वाला जो मतलब बेड है उसे भी मैंने क्लीन कर लिया, किचन भी बिल्कुल क्लीन है। हस्बैंड गए नहाने के लिए, जब वो नहा के आएंगे तो उन्हें मैं क्या बोलते हैं लंच दे दूंगी, लंच या नाश्ता का ये क्योंकि सुबह में खा के चले जाएंगे पूरा खाना। और यहाँ पे देखिए किचन भी पूरा क्लीन है मेरा, किचन भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। रुपेश यहाँ पे पानी जो है वो भर रहा है, सब टेबल चालू है तो रुपेश पानी भर ले रहा है। अभी मैं अपने बालों में कॉम्ब करूँगी, और बाल जो है वो देखिए रुपेश वाइप कर रहा है, रुपेश तुम दिख रहे हो, तो अभी मैं अपने बालों को जो है उसे मतलब कॉम्ब करूँगी, क्योंकि बाल देखिए अभी गीले गीले बाल है तो थोड़ा और सूख जाएंगे तो कॉम्ब कर लूँगी। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अभी इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, और बाय बाय फ्रेंड्स।